अभी पिछले कुछ दिनों में जितनी हेल्पलेसनेस, बेबसी और लाचारी महसूस हो रही है, शायद उतनी जिंदगी में कभी भी नहीं हुई। कोई ऐसा घंटा नहीं जाता एक घंटे के अंदर जब हमारे किसी जानने वाले का, किसी मीडिया के साथी का, किसी रिश्तेदार का, किसी पॉलिटिकल दोस्त का, साथी का फोन ना आ जाए कि हॉस्पिटल चाहिए, ब्लड प्लाज्मा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और हद तो तब हो जाती है जब लोग सिफारिश करते हैं, जो आज तक के कभी भी जिंदगी में ऐसी सिफारिश नहीं आती कि संस्कार करना है और संस्कार के लिए 2 दिन की वेटिंग है, हमारे को संस्कार जल्दी करवा दीजिए, हमारा नंबर जल्दी शमशान घाट में जो केयर टेकर है उसे कहकर के जल्दी करा दीजिए। ऐसी ऐसी सिफारिशें, ऐसे हालात हमारे देश के अंदर पैदा हुए हैं कि बहुत बहुत दुख होता है कि आज हम लोग राजनीति में रह करके भी, हम किसी की भी कुछ भी मदद हम लोग चाह करके भी नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर एक एक दिन में 3.5 लाख केसेस हो रहे हैं, लगभग 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा कुल केसेस हो चुके हैं, 2500 केस हमारे देश के अंदर एक एक दिन के अंदर लोगों की मृत्यु हो रही है। कुल जो है हमारे 1,88,000 के करीब लोग मृत्यु को पा चुके हैं हमारे कोविड की वजह से। और ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये केवल प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं है। दुख की बात यह है कि अब जो ये बातें हो रही हैं, ये जो चीजें हो रही हैं, इसके अंदर प्राकृतिक आपदा के साथ शायद सरकार की नाकामयाबी, सरकार की सोच और सरकार का अहंकार, ये सब के सब चीजें शायद इसके पीछे कारण है जो कि अब हो रहा है।